नमस्कार, मैं हूं दिवांशी मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोविड-19 का कहर जारी और अब तक पूरी दुनिया में लगभग 4,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी और लगभग 97 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इसी बीच कोविड-19 की वजह से दुनिया का पहिया एक तरह से मानो तो थम सा गया। पूरी दुनिया में लोगों के अरमान, खुशियां, सोच, काम धंधा, शादियां सब पर रोक लगी। इसी बीच लोग अपने अरमानों पर पत्थर रखकर कोविड-19 का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग अरमानों पर काबू कर अपनी इच्छा को मारते हुए या तो उन्होंने रोक लगा दी या उस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी कड़ी में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन भी उन लोगों में शुमार हैं जिन्हें संकट की वजह से अपनी शादी टालनी पड़ी। और दिलचस्प बात यह है कि ये चौथी बार है जब किसी न किसी वजह से फ्रेडरिक्सन की शादी टल गई। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री जुलाई में जिस दिन शादी करने वाले थे उसी दिन उन्हें ब्रुसेल्स में EU समिट में शामिल होने जाना था। इस वजह से उन्हें चौथी बार अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा। मैट फ्रेडरिक्सन ने इस संबंध में फेसबुक पर अपने मंगेतर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मैं इस बेहतरीन इंसान से शादी करने को लेकर उत्साहित हूँ, लेकिन जाहिर है कि ये इतना आसान होने वाला नहीं है। जुलाई के जिस शनिवार को हमने शादी की योजना बनाई थी उसी दिन ब्रुसेल्स में मुझे एक बैठक में शामिल होना। फ्रेडरिक्सन ने आगे लिखा कि मुझे डेनमार्क के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है, इसीलिए हमें फिर से प्लान बदलना होगा। उम्मीद है हम जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। मैं बो को हाँ कहने के लिए बेताब हूँ। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि पिछले सप्ताह एक वर्चुअल बैठक में ये तय किया गया था कि 17-18 जुलाई को ब्रुसेल्स में यूरोपीय परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें 27 देशों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। कोरोना संकट के बीच ये ऐसा पहला शिखर सम्मेलन होगा जहां दुनिया के कई देशों के नेता व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों डेनमार्क की PM मैट फ्रेडरिक्सन ने अपनी शादी को कैंसिल किया और कितना उनको इस बात का दुख है।